स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम मानसिक योग्यता रीजनिंग में नंबर सीरीज के अंतर्गत निरंतर पैटर्न श्रृंखला, जिसे हम कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले आपको ये सीरीज दिया रहा है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए, खालिस्तान खालिस्तान, उसके बाद दिया है ए बी ए, यही पैटर्न को आपको कंटिन्यू फिल करना होगा। फिर डैश, उसके बाद है बी ए, फिर खालिस्तान, फिर ए और बी। ठीक, तो आपको जब ऐसे पैटर्न मिले तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे किसके बाद क्या है। या तो आप ऐसे बैठ के देखेंगे, तो ऐसे देखने पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसको बहुत लोग बताते हैं कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। जब आपका दिमाग बिल्कुल काम ना करे तब हम ऑप्शन को देखते हैं। ठीक, ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, पहले अभी हम लोग इसको पहले समझेंगे। ऑप्शन है ए बी बी डबल ए, उसके बाद है बी ऑप्शन, ए बी बी ए बी, थर्ड ऑप्शन है आपका बी ए ए बी बी, और फोर्थ ऑप्शन है बी बी ए बी ए। ठीक, ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप बैठ के अगर ऑप्शन से फिल करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक को देखेंगे। इसमें ट्रिक क्या होता है, देखिए, जितने भी आपको खालिस्तान दिख रहे हैं, सारे सबको ले करके, जितने लेटर दिख रहे हैं और जितने खालिस्तान दिख रहे हैं, स्पेस दिख रहे हैं, आप सबको काउंट करेंगे पहले। देखिए, तो कितने डिजिट बन रहे हैं, देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ठीक, आपको बारह बना, तो आप कितने कितने का पेयर बना सकते हैं, या तो छह गुणे दो का पेयर बना सकते हैं, या तो दो गुणे छह का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, चार और तीन का भी पेयर बन सकता है इसमें, चार एक बार, या तो चार का पेयर, चार और तीन का पेयर बनाइए, या फिर तीन और चार का पेयर बनाइए, ऐसे भी पेयर आप बना सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो दो का पेयर बनाएंगे। तो ये आपका बेटा तरीका होता है आपको देखने का कि हम कितने जल्दी इजिली सॉल्व कर लें इसको। देखिए, अगर हम दो का पेयर बनाए, दो बाई छह का ले, तो देखिए, अगर हम दो दो का पेयर बना रहे, ये दोनों को एक पेयर बना लिए, इन दोनों का एक पेयर बना लिए, इन दोनों का एक पेयर, फिर एक दो, फिर दो, फिर एक दो, फिर दो, आपको दिख रहा है। अब जब हम दो दो पेयर बना रहे हैं तो आपको दिख रहा है ए बी ए बी ए बी का पैटर्न आपको दिख रहा है ना। एक बार आपको यहाँ पे ए बी दिख गया, एक बार यहाँ पे ए बी दिख गया, तो आपको समझ में आ गया कि हमारा पैटर्न जो चल रहा है बस ए बी का चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे, ए भर दिया, फिर दूसरे में बी, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर तीसरे में भी हम ए बी भर दिए। तो आप देख रहे हैं, पहले में ए आना चाहिए, फिर बी, तो ये बी से स्टार्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ठीक, अब ए से, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, और तीसरे भी खाली स्थान में आपने क्या भर रखा है, बी भर रखा, तो ये दोनों ही सेम ही है, तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, ए बी का पैटर्न देख रहे हैं, ए बी है इसमें भी, ए बी है इसमें, ए बी है इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, ए ही होगा। तो आपको कौन सा दिख रहा है, ये दोनों के ऑप्शन सेम ही चल रहे हैं। उसके बाद ए के बाद बी, फिर ए के बाद हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही हो गया। ठीक, चलिए दूसरा है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसी को कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज कहते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन, खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है एस टी टी, फिर खालिस्तान है टी टी, उसके बाद फिर खालिस्तान टी टी एस, उसके बाद है फिर से खालिस्तान। ठीक, तो आप देख लेंगे, पहले मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऐसे ऐसे सीरीज मिलेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो काउंटिंग कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, वैसे आपको 12 का बन गया। हाँ, तो आप क्या, आपका हमने क्या बताया, चाहे छह गुड़े दो का बनाइए, चाहे दो गुड़े छह का बनाइए, वैसे हम हमेशा पेयर क्या करते हैं, पहले ही छोटे छोटे का ही पेयर बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चार गुड़े तीन का पेयर बना लें, या फिर तीन गुड़े चार का पेयर बना लें, तीन गुड़े चार, चार तीन बारह होता है ना। अब आपने पूरा काउंट किया तो आपको बारह ही तो मिला है,
ठीक। तो अगर हम इसको अब हम देख रहे हैं टी टी एस हमको दिख रहा है, ठीक। तो अगर आपको आप ये ऐसे याद किए रहेंगे कि आपको इतने का अगर अब 12 आ रहा है तो 6 × 6/2 का बन सकता है, 4/2 का बन सकता है, ठीक। तो हम पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम आपको टिक करेंगे, ठीक है। देखिए पहला है आपका टी एस, टी एस इसको ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है अगर आप ऑप्शन से बैठ करके टिक करने लगते हैं। एस एस टी टी, चौथा है टी एस एस टी, ठीक। देखिए अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन से देख रहे हैं टी एस टी एस, तो ये आपको हमें तो लग रहा है कि पहले ही ऑप्शन सही हो जाना चाहिए है। चलिए देखते हैं, अगर हम तीन का पेयर बना लेते हैं, तीन का पेयर बनाइए, अगर तीन का पेयर बनाएं, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 1 2 3 फिर टी एस, आपको दिख रहा होगा अगर हम टी एस टी का, टी एस टी का पेयर बना लें, तो आप अगर हम यहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टी एस टी, टी एस टी आपका पेयर बन रहा है, देखिए टी एस टी है ना, ये टी है टी है, तो बीच में हम क्या भर देंगे, क्योंकि टी के बाद आपको दिख गया, एक आपको क्लू मिल गया कि टी के बाद हमारा क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, ठीक। तो टी के बाद हमने यहाँ पे अगर एस भर दिया तो ये क्या हो गया, टी एस टी हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टी के बाद फिर से हम क्या करेंगे, एस भर देंगे, फिर टी एस, इसके बाद यहाँ पे भी हम एस भर दिए, तो एस के पहले अभी आप देख रहे हैं क्या है, टी है, तो यहाँ पे भी हमने टी भर दिया, ठीक। तो आपको देखिए आप इन चारों ऑप्शन में से कौन से हैं, टी एस एस टी, देखिए कहाँ है टी एस एस टी, तो ये क्या हो गया आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया, टी एस टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, तो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो नहीं समझ में आएगा तो हम इतने ज्यादा एग्जाम्पल कर लेंगे कि आपकी लास्ट वीडियो तक आपके डाउट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका देखिए सी 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 डी, सी सी डी फिर खालिस्तान है, ट्रिपल सी फिर खालिस्तान, फिर डबल डी सी फिर है खालिस्तान। देखिए इसमें ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें जो भी डाउट हो हम अपने आंसर से क्लियर कर लें। देखिए बी सी सी दूसरा ऑप्शन है, सी डी डी सी ऑप्शन है, डी सी डी चौथा ऑप्शन है, सी सी डी। देखिए कभी कभी ऑप्शन से करना आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है, आपके जब आपको नंबर छोटे छोटे दिखें, छोटी छोटी सीरीज दिखे, तो आप ऑप्शन से भी फिल कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे डबल सी दिख रहा है, तो डबल सी के बाद आपको डी लाना है, ठीक। तो हम कितने का पेयर बना लें, अगर हम तीन का देखे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से 12 हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम तीन का पेयर बनाएं या तो हम चार का पेयर बनाएं, तो 12 हो रहे हैं, तो आप या तो 6 × 2 का बनाइए, 4 × 2 का भी बना सकते हैं, ठीक। तो अगर आप 4 × 3 का बनाएं, तो देखिए ये फॉलो कर रहा है, 4 का बना रहे हैं, तो यहाँ से 1 हो गया, फिर दूसरा पेयर ये हुआ, ट्रिपल सी के बाद हमें नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो हम ये वाला पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक। अगर हम 6 × 2 का बना लें, देखिए 3 3 4 5 6 देखिए, तो सी के पहले आपको क्या नजर आ रहा है, सी के पहले आपको डी नजर आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी के पहले हम यहाँ पे डी फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सी के पहले डी नजर आ गया है और डी के पहले भी डी है, तो यहाँ पे देखिए डी के पहले डी नजर आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद सी के बाद आपको क्या नजर आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, क्योंकि हमें पहले में यहाँ पे मिल गया, तो सी के बाद हम क्या भरती है, यहाँ पे डी भरती है, फिर से सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी। ये हम क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे देख रहे हैं हमें दिख रहा है कि डबल सी के बाद तब जाके डबल डी है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका डबल सी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए ना, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तुरंत आपका गलत होना शुरू हो जाएगा। देखिए डबल सी फिर डबल डी फिर डबल सी है, तो डबल सी हो गया, फिर डबल डी हो गया, फिर क्या होगा, डबल सी हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी सी सी, डी सी सी कहाँ है, यहाँ पे है, तो आपका यही हो गया आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बेटा आप लोग भी पेशेंसली से कीजिएगा, नहीं तो आपके भी गलत हो जाएंगे। तो सर सीरीज वाला थोड़ा बहुत ही पेशेंसली काम करना होता है इसमें। देखिए खालिस्तान खालिस्तान, फिर बी सी बी, उसके बाद है खालिस्तान खालिस्तान सी बी बी सी। चलिए इसमें भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहले बी सी ट्रिपल सी और बी, बी ऑप्शन है आपका, डबल बी डबल सी बी सी और बी, सी ऑप्शन है आपका बी सी सी बी सी और डी ऑप्शन है आपका सी बी बी सी सी। ठीक, इसी में से आपको चूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, उसकी काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 बन गया आपका। ठीक, तो आप क्या 12 जब भी बने ना, तो आप छोटे छोटे नंबर का ही पहले आप उसका बनाएंगे, छोटे छोटे खंड में तोड़ के। देखिए अगर हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम 6 6 × 2 का बनाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 का भी बना रहे हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, क्योंकि दो दो आपके जगह खाली हो जा रहे हैं। ठीक, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 4 का 4 × 3 का भी बना सकते हैं, 4 × 3 का, अगर 4 × 3 का बना रहे तब देखिए, मतलब 4 4 का पेयर, 1 2 3 4, 4 का पेयर 1 2 3 4, फिर 4 का पेयर 1 2 3 4। ठीक, तब आपको एक आइडिया दिख रहा होगा कि देखिए अगर आप यहाँ पे 2 का भी पेयर बनाते तो भी हो सकता था, कि देखिए बी सी फिर बी सी आपको 2 बार दिख गया, तो हमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बी सी बी सी का ही पेयर बन रहा है, बी के बाद सी है तो सी के पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही देख करके आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, इसके लिए बेटा आपका रिविजन होना चाहिए, तभी आपका जल्दी जल्दी दिमाग चलेगा। तो सी के पहले क्या है, बी है, तो हमने सी के पहले यहाँ पे बी भर दिया है, सी के पहले बी है ही है। और आप देख रहे हैं अगर हम 4 4 का पेयर बना रहे हैं तो ये अगर ये खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या है आपका बी है। ठीक, और यहाँ पे भी आपको बी दिख गया, तो सब में आपका दूसरा वाला प्लेस खाली रह गया। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो क्या पहले वाले, देखिए अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो पहले वाले खाली स्थान पे बी, बी किसमें किसमें है, पहले वाले में है और तीसरे वाले में है और पहले वाले में, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। ठीक, अब इन्हीं दोनों में से हमें कंपेयर करना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं बी सी सी, अब देखिए आपको आपको एक ट्रिक मिल गया कि बी के बाद सी दोनों में है, तो हम यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे सी भर दिए, तो अगर बी सी हो गया तो यहाँ पे भी बी के बाद सी होगा, तो बी के बाद यहाँ पे भी सी हो गया। ठीक, तो आप देख लीजिए फाइनली आपका आंसर कौन सा हो बन रहा है, फिर बी सी बी सी सी बी बी सी सी बी, कहाँ है बी सी सी बी, है ना, बी सी सी बी सी बी सी सी बी सी, तो यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान खालिस्तान फिर क्या है, एन एम एन 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 एन, फिर फ्लेम द ब्लैंक्स है, फिर एम एन एम, फिर खालिस्तान खालिस्तान। ठीक, तो आपको फिर से इसमें फिल करना है, फिर से हम ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हमें थोड़ा चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऑप्शन के पीछे नहीं पड़ेंगे, पहले आप अपना दिमाग लगाएंगे, फिर जब नहीं दिमाग काम करेगा तब आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। एन एन एम एन एम, ये पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एन एम 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 एन, सी ऑप्शन है आपका एम एन एम एन एन और डी ऑप्शन है आपका एन एम ट्रिपल एन। ठीक, तो यही में से देखिए आपको क्या फिल करना है। देखिए अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे, यही तो सीख रहे हैं हम बार बार। ठीक, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 बन गया आपका। चलिए देखिए इसमें 12 बन रहा है, अगर हम 6 × 2 का पेयर बनाएं तब देखिए 3 3 6, 1 6 का पेयर हो गया, 1 2 3 1 2 6, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर हम 6 6 का पेयर बना लिए तो एम एन एन आपको दिखा, तो एम के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे एन एन। ठीक, एक आइडिया आपको मिल गया,
एम के बाद एन एन, क्योंकि एम के बाद यहाँ पे एन एन है, तो यहाँ पे भी हमने क्या बताया, एम के बाद एन एन। अब देखिए किसके लास्ट में एन एन है, किसके लास्ट में एन एन है, तो आपको इसके लास्ट में नहीं है तो ये गलत, इसके भी लास्ट में एन एन नहीं है तो इसलिए ये भी गलत। अब इन दोनों के लास्ट में आपका एन एन आपको दिख रहा है, इन दोनों के ही लास्ट में है ना, दोनों के ही लास्ट में आपको एन एन दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, तो आप देख लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए एम एन एन, एम एन एन, फिर एम के पहले क्या है, एन है, यहाँ पे भी एम के पहले, तो इस वाले एन के पहले आपका क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एन के पहले क्या है, एम है, तो मतलब यहाँ पे भी आपका एम होना चाहिए। तो आप देख लीजिए जो आपके ऑप्शन बचे हैं उसमें दूसरे नंबर पर किसके पास एम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे एन है इसलिए ये भी गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के प्लेस पे क्या है आपका एम है, तो आगे क्या होना चाहिए आपका एन होना चाहिए, फिर एन एम एन एम, फिर यहाँ पे क्या हो गया एन एम एन एम एन एन, देखिए यही पेयर बन रहा है ना, देखिए देखिए यही पेयर बन रहा है ना, एन एम फिर एन एम फिर एन एन फिर एन एम एन एम एन एन, ठीक, तो यही आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इसमें मैं आपको, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, पी एच जे आर पी, बी ऑप्शन है आपका, आर पी एच आर पी एच पी जे, सी ऑप्शन है जे आर एच पी जे, डी ऑप्शन है आपका एच जे आर पी एच, ठीक, तो आप देखिए पहले फिर से हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह ही बारह के पेयर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला तो बहुत ही आसान हो गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि R के बाद आपको क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, तो आप R के बाद क्या भर देंगे, यहाँ पे H भर दिए, तो R के बाद H हो गया, और H के बाद आपको क्या दिख रहा है, J भर दिख रहा है, तो आपने J भर दिया, और J के बाद आपको क्या दिख रहा है, P दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे P भर दिया, J के बाद P, H के पहले क्या होगा, R है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये तो बहुत ही आसान था, तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर है, पहले नंबर पे आपको क्या आना चाहिए, आर होना चाहिए, आर पी जे, देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो गया एक बार में, आर पी एच पी जे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका पी पी टी पी एस टी पी एस पी पी, अब देखिए इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे दे रही हूँ, देखिए पहला ऑप्शन है आपका पी पी एस टी, बी ऑप्शन है टी एस पी पी, थर्ड ऑप्शन है आपका पी एस पी टी, डी ऑप्शन है आपका एस पी पी टी। देखिए अगर हम इसमें चार का पेयर बनाते हैं, दो दो चार, अगर चार चार का पेयर बनाते हैं, देखिए आपको ऐसा दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। देखिए देखिए पी, अगर हम चार का पेयर बना रहे हैं पी पी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे पी फिल कर दें तो ये क्या हो गया पी पी एस टी, यहाँ पे भी क्या हो गया पी पी एस टी पी पी एस टी पी पी एस टी, तो यहाँ पे भी क्या हो गया पी पी एस के बाद टी, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो गया पी पी, ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन है एस पी पी, कहाँ है एस पी पी टी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो कभी कभी बेटा आपको ना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम किसके बाद क्या आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना दिमाग दौड़ा लें, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप लोग रिवीजन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका बहुत जल्दी दिमाग चलेगा, ये सारे रीजनिंग आपके रिवीजन पे ही डिपेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट है आपका खालिस्तान एन एम एम एन एम एन एम एम खालिस्तान एन एम एम खालिस्तान एन एन एम के एन एन एम के, ठीक, ये
ये है आपका क्वेश्चन। तो आप ऑप्शन भी देख लीजिए पहले, ये लीजिए आपके लिए ऑप्शन है एन एन के एम एम, बी ऑप्शन है एम एन के एम, सी ऑप्शन है आपका के एन एम एम, और डी ऑप्शन है आपका एम के एन एम। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 है तो कितने का हो गया, 5 × 3 का हो सकता है या 3 × 5 का हो सकता है। ठीक, तो पहले हम बड़े का बनाते हैं, 5 × 3 का, देखिए 5 का बना रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 का हो गया 1, 2, 3, 4, 5, फिर 3, 2, 5। ठीक, आपको दिख रहा है कि n के बाद आपका क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि n n है, तो n के बाद n, n n n आपको दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, n, ठीक, n n, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एम एम आ रहा है, तो एम एम लास्ट में क्या आ रहा है, के, एन एन एम एम के, एन एन एम एम के। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, एन के, एन के कहाँ आ रहा है, एन के एम एम पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया एन के एम एम। ठीक, देखिए आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है कि ये कितने कितने का पेयर बन सकता है, या तो 5 × 3 का बन रहा था या तो 3 × 5 का, हम 3 × 3 का बना रहे तो हमें कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा था। ठीक, तो हमने 5 × 3 का बना के देखा, तो आपको ऐसे ही दिमाग लगा लेना रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, ओके, थोड़ा सा अलग सीरीज है, आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा, ए ए बी, फिर खालिस्तान है, फिर डबल ए, फिर बी ट्रिपल बी है, फिर खालिस्तान ए ए ए ट्रिपल बी फिर ए है। देखिए इसमें ऑप्शन है आपका ए बी बी ए, बी ए ए बी, सी ऑप्शन है ए ए बी, डी ऑप्शन है ए बी ए बी। ठीक, आप देखिए यहाँ पे टोटल बन रहा है 19, तब हमें कोई पेयर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भी है, उसके बाद 3 भी हो गया, उसके बाद 3 भी हो गया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, फिर 2 ए दिख रहा है, फिर 3 ए दिख रहा है, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे बेटा कभी कभी ऐसा भी बनता है कि 2 ए है, 2 ए है, फिर 2 बी हो जाए, फिर 3 ए है तो 3 बी हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है पेयर। देखिए ए ए, अगर हम यहाँ पे ए ए, अब यहाँ पे हम क्या फिल कर दें, बी फिल कर दें, तो ए ए बी बी हो गया, उसके बाद ट्रिपल ए कर दीजिए, अगर हम ट्रिपल ए कर दिए और ट्रिपल बी ए हो गया, देखिए डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 बार ए, 1, 2, 3, 4, 4 ए, तो कितना होना चाहिए, 4 बार बी भी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना देख रहे हैं, 4, 4 के बाद 6 का पेयर बना, 6 के बाद कितने का पेयर बनना चाहिए, 8 का पेयर बना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 का पेयर, यहाँ पे 6 का पेयर, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, 8 का पेयर, तो लास्ट में आपका ए बच गया। ठीक है, ऐसा भी आपका पेयर बन सकता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, बी ए ए बी, कहाँ दिख रहा है, बी ए ए बी, आपका बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बी सी, खालिस्तान बी, फिर खालिस्तान सी पी, फिर खालिस्तान सी सी बी। देखिए इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए, सी बी सी बी, बी ऑप्शन है आपका बी बी सी बी, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपका सी बी बी सी, और डी ऑप्शन है आपका बी सी बी सी। ठीक, देखिए अब इसमें से क्या बन रहा है,
काउंटिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बन रहा है तो हम क्या करें, 4 का पेयर बना लें, है ना, चाहे 6 का बनाइए चाहे 4 का बनाइए, 4 × 3 4 का पेयर बना रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक। तो आपको लास्ट में दिख रहा है सी सी बी, ठीक, तो आपको लास्ट में दिख गया, लास्ट में सी सी बी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी सी सी बी, सी सी बी हो गया, यहाँ पे भी सी सी बी हो गया, यहाँ पे भी सी सी बी है ही है, तो आपको देख रहा है पहले 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 में यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे भी भर दिया बी, तो आपके ऑप्शन कौन से हो गए, सी बी सी बी, सी बी सी बी कहाँ है, सी बी सी बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। कभी कभी देखिए कोई कितने आसानी से हो जा रहा है ना, और कोई कितना टाइम टेकिंग है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ए बी वाले स्थान सी ए, फिर बी सी ए बी, सी वाले स्थान बी बी सी, इसके भी ऑप्शन देख लीजिए, बी 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 सी बी बी ए, सी ऑप्शन है आपका, बी बी सी ए, डी ऑप्शन है आपका बी 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 ए। देखिए इसमें से क्या रहेगा, देखिए अब हम इसमें इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बन रहा है, तो 4 चौक भी 16 होता है, 8 दुनी भी 16 होता है, 4 × 4 का पेयर, पहले हम 4, अगर 4 का पेयर बन रहे हैं तो सबसे पहले आप 4 का ही पेयर बना के देखा करिए, ये सबसे ज़्यादा ये ट्रिक काम आ जाता है बार बार, 1 2 3 4 4 का पेयर, 1 2 3 4 4 का पेयर, 1 2 3 4 4 का पेयर, ठीक। आप देख रहे हैं आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, सी, क्या सी सब में नजर आ रहा है, सी सब में नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे, ठीक। सी के पहले डबल दो बार बी है, तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, सी एक ए के बाद क्या दिख रहा है आपको, बी ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, यही पेयर बन गया आपका, ठीक। तो देखिए कितने आसानी से हो गया, ठीक। तो 4 वाला लॉजिक आप याद रखिएगा, अगर 4 का पेयर बन रहा है तो हम 4 का पेयर बना देंगे, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी 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 ए, बी 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 ए, डी वाला ऑप्शन, ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट आपका है खालिस्तान एक्स, एक्स खालिस्तान वाई, फिर है खालिस्तान एक्स वाई वाई एक्स, फिर है स्पेस, फिर वाई, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से हो जाए। देखिए पहला पहला ऑप्शन है आपका वाई वाई एक्स वाई, बी ऑप्शन है आपका वाई एक्स वाई एक्स, सी ऑप्शन है आपका एक्स वाई वाई एक्स, और डी ऑप्शन है आपका वाई वाई एक्स एक्स, ठीक। तो हम देख लेते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं कितने का पेयर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 का पेयर बना, फिर से हम 4 × 3 = 12 4 का पेयर बना दें, ठीक। तो 4 का पेयर बना रहे थे, देखिए 1 2 3 4 देखिए 4 का पेयर बना दे रहे हैं हम, 4 का पेयर 1 2 3 4 यहाँ 4 का पेयर, यहाँ यहाँ पे भी 4 का पेयर हो गया, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि सबकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वाई से हो रही है, तो हम यहाँ पे पहला क्या भर देते हैं, वाई भर देते हैं, वाई के बाद बी में, देखिए 4 का पेयर बना दिया, तो पहला आपका वाई वाई सब में था, वाई स्टार्टिंग कर दिया, तो बीच में आपका क्या है एक्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स फिल कर दिया, यहाँ पे भी फिल कर दिया, लास्ट में आपका क्या हो गया, वाई हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, वाई वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स एक्स कहाँ पे है, लास्ट का आपका डी ऑप्शन, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपके आपको मेरे पे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।